संत यूहन्ना का सुसमाचार तीसरा अध्याय का पांच से हम पढ़ते हैं. वी लुक इनटू गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है. अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है. जीसस एंसर, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, अनलेस वन इज बॉर्न ऑफ वॉटर एंड द स्पिरिट, ही कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. दैट विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Yeshu ne kaha Nicodemus ko kaha ki main sach sach kehta hu, there is no shadow of doubt here. In no uncertain terms Jesus would emphasize this, main sach sach kehta hu, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. तो सिर्फ जल के बपतिस्मा से बात नहीं बनता. इज नॉट जस्ट ऑफ नॉट इनफ दैट वी हैव बीन बैप्टाइज्ड, वी नीड टू बी बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, देन ओनली वी बिकम स्पिरिचुअल बीइंग्स. पवित्र आत्मा के द्वारा हम जन्माया जाना अवश्य है, तभी हम आत्मिक मनुष्य बनते हैं. तुम्हारा उद्धार हुआ पवित्र आत्मा के कारण हुआ. पवित्र आत्मा के सिवाय कोई उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता. नो वन इज सेव्ड, नो वन इज बॉर्न अगेन विदाउट द इनडवेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. So we understand from here that when we are born again, we have been gifted with the Spirit of God. तो हम यहां से समझते हैं, जब हमारा उद्धार हुआ तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिला. पवित्र आत्मा दान में हमें दिया गया है. तो यहां इसलिए लिखा है कि जो सिर्फ शरीर से जन्मा है वो शरीर है. That which is born of the flesh will only be flesh. That which is made of dust, it will continue to be dust if not for the indwelling of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा वास नहीं करते तो हम मिट्टी का ही बने रहेंगे. तो मिट्टी का मनुष्य मिट्टी का ही बने रहेंगे. तो इसलिए यहां लिखा है जो शरीर का शरीर से जन्मा है वो शरीर का ही बने रहता, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स बिकॉज वी हैव बीन बोर्न अगेन बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड. तो ही मेक्स इट वेरी क्लियर, व्हिच इज बोर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट. इन द आईज ऑफ गॉड वी आर स्पिरिट्स, बोर्न अगेन स्पिरिट्स. दैट इज व्हाई द फादर गॉड डस नॉट सी एनी गाइल इन अस, एनी ब्लेमिश इन अस. पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के दृष्टियों से देखता है, तब हम पवित्र हैं. हमारी आत्मा का पवित्रीकरण हुआ है. Our spirits have been redeemed and cleansed and sanctified. But that spirit dwells in this defiled body of ours. लेकिन वो आत्मा ये शरीर में वास करता है. तो इसलिए कहता है, Do not marvel that I said to you, you must be born again. मैं तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है. अचंबा ना कर, कहते उसके सिवाय तुम बाकी पशुओं की तरह बने रहेंगे. वी लुक एट द क्रिएशन, वी डोंट हैव टाइम टू स्पेंड ऑन क्रिएशन टुडे. लेकिन उस आर्य सृष्टि ऐसा ही उसका वचन से सृजाया गया. लेकिन जब मनुष्य की बात आती है तब उसने मनुष्य को अपनी उंगलियों से रचाया और उसका नथनों में उसका श्वास फूंका. ऑल अदर एनिमल्स आर ऑल्सो अलाइव, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड फिशेस, दे आर ऑल अलाइव.
they have the kind of breath in them which keeps them alive. तो हम देखते हैं कि सारी जंतुआं सारी प्राणियां रेंगने वाले जो जीवियां हैं और समुद्र की जीवियां हैं सब में जीवन है, तात्कालिक जीवन है, लेकिन उनके नथनों में परमेश्वर ने नहीं फूंका था. God had not breathed into their nostrils. They came into being because of the word, whereas man has been breathed into. मनुष्य के नथनों में परमेश्वर ने फूका, उसका सांस रखा है, वो परमेश्वर का सांस है. इसलिए मनुष्य आत्मिक बनकर रहना अवश्य है. We need to be spiritual being. We need to be having spiritual lives and a spiritual walk because the breath of God is in us. परमेश्वर का सांस मुझ में है, आप में है, इसके लिए हमें आत्मिक मनुष्य बनकर रहना अवश्य है. उसके बाद आठवां वचन में पढ़ते, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है. The wind blows where it wishes and you hear its sound but you do not know where it comes from or where it goes. This is concerning the Spirit of God. So the Holy Spirit is now pictured here as the wind that blows at its own will. Pavitra Atma हवा की तरह है जो जिधर वो चाहती है उधर चलते हैं. द विंड चूज़ेस इट्स डायरेक्शन एंड द प्लेस वेयर इट हैज टू ब्लो टू. तो ये उसका पूरा निर्णय हवा लेती है, हवा बहती है. तो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये हवा कैसे बहते हैं हम जानते हैं. हम हमेशा पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं या टीवी में हम सुनते हैं कि ऐसे डिप्रेशन है, लो प्रेशर है. वी रीड लाइक दिस, न्यून दाब के कारण बहुत तेजी से हवा चलेगी, ऐसे हम पढ़ते हैं. न्यून दाब उसका अर्थ क्या है? कम दबाव. वेर देयर इज लो प्रेशर एयर ब्लोज, विंड ब्लोज इनटू दैट एरिया. ये हम जानते हैं. जहां उच्च दाब है, where there is high pressure, from there wind blows, air is flowing into a place where comparatively there is low pressure. तो जहां न्यून दाब है वैसे जगह की ओर हवा बहती है जहां उच्च दाब है, high pressure. This is a kind of a physical example for us to understand. Where there is meekness, where there is humility, there the Spirit flows. Amen. From above, where it is full of the Spirit, the control of the Spirit in heaven. इसलिए यीशु ने कहा, ऐसे प्रार्थना करो, तेरा हित किया पूरा हो जाए, जैसे स्वर्ग में हो जाता. As His will is accomplished, is executed. In heaven, as it is done in heaven, unopposed, unchallenged. That is will be done in our lives. That is the prayer that Jesus has taught us to pray. That means, from the high pressure of heaven, let the Spirit flow into the lowly, the meek, and the humble, the one with a contrite heart, who humbly repents. ये पवित्र आत्मा की बहाव स्वर्ग से, जहां पवित्र आत्मा की पूर्णता वास करता है, पवित्र आत्मा पूर्णता में राज करता है. Where the Spirit reigns in His fullness, the Spirit flows into men and women who are lowly, who have a contrite heart of repentance. And who humble themselves before God. We cannot decide this. The Spirit decides. The Spirit spots such people. इसलिए हम पढ़े हैं कि परमेश्वर की आंखें ऐसे परखते रहता है, मंडराता रहता है,
The eyes of God are searching, hovering over, searching for such people to indwell in them. Hallelujah. To reign in them and through them. पवित्र आत्मा ऐसे वास स्थान को ढूंढता है जहां पवित्र आत्मा वास कर सकते हैं, नहीं राज कर सकते हैं. न्यून दाब है, लो प्रेशर, लेस रेसिस्टेंस इज ऑफर्ड टू द फ्री फ्लोइंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड. तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है. आई एम अफ्रेड आई एम अनेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. वन थिंग वी शुड रिमेंबर, Without the indwelling of the Holy Spirit, you and I are not born again. पवित्र आत्मा के बिना हमारा उद्धार असंभव है. तुमने उद्धार पाया है उसका मतलब है पवित्र आत्मा में दिया गया है. Spirit has been gifted to us. But now that is only one thing. It's quite another thing to subject myself to the total control of the Spirit of God. So that more and more will the Spirit reign in me and through me. लेकिन एक अलग बात है जब मैं अपने आप को पूरा पूरा पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन कर देते हैं तो पवित्र आत्मा मुझसे मुझ में मेरे द्वारा अधिक और अधिक राज करना लगता है. The wind blows where it chooses to, where it wishes to. You hear its sound. You get the manifestations of the Spirit in such a man's life. You cannot see the Spirit of God. पवित्र आत्मा अपनी भौतिक नयनों से दिखाई नहीं पड़ता. You cannot see the Spirit of God. But the manifestation of the fruit of the Spirit will be seen. लेकिन पवित्र आत्मा का जो फल है वो प्रकट होगी. You hear its sound. When the wind blows, you do not see the wind. पवित्र आत्मा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसकी आवाज सुनाई देता है. हालेलुया. परंतु उसका शब्द तू सुनता है, नहीं जानता है कि वह कहां से आती है, किधर को जाती है. जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है. विद एवरीवन हु इज बोर्न ऑफ द स्पिरिट इज लाइक दिस. ही डजंट नो वेयर ही इज बीइंग लेड टू. उसको पता नहीं है पवित्र आत्मा उसको कैसे चलाने वाला है, कहां ले जाने वाला है, कहां बिठाने वाला है, क्या कौन सा काम कराने वाला है. ही डजंट नो हाउ द स्पिरिट इज गोइंग टू लीड हिम, हाउ द स्पिरिट इज गोइंग टू गिव हिम सच मैनिफेस्टो, सच गाइडेंस, सच डिरेक्शंस. And how the Spirit is going to make him responsible for things as he goes along, guided by the Spirit of God. पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलाया जाता हमें पता नहीं है कहां कहां हम पहुंच जाया जाएगा और क्या क्या काम पवित्र आत्मा हमसे कराना चाहता है. We are totally under the control of the Holy Spirit. तब हम ये हवा के अधीन हो जाता है. This breath of God will control our lives. This breath of God will capitalize on us. Pura niyantran pavitra atma usko vash mein le lega fir wo chalayega. That is the blessedness of Christian life. Full of uncertainties but full of pleasant surprises. Aisa lagega ki kuch bhi cheez hame samajh mein nahi aata, sab anischit hai, lekin bahut sundar riti se chamatkar ke upar chamatkar dikhate hue प्रभु में अद्भुत रीति से चलाएगा. इट्स अ ग्लोरियस वॉर लेड बाय द ब्रेथ ऑफ गॉड. हालेलुया. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. वहां से हमें 14 अध्याय में नजर डालना. वी लुक इनटू द 14th चैप्टर ऑफ जॉन एंड रीड फ्रॉम 25th वर्स ऑनवर्ड्स. 14 अध्याय का 25 से पढ़ते. ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा. दीज थिंग्स हैव आई स्पोकन टू यू व्हाइल आई एम स्टिल विद यू, बट द हेल्पर द होली स्पिरिट हुम द फादर विल सेंड इन माई नेम ही विल टीच यू ऑल थिंग्स एंड ब्रिंग टू योर रिमेम्बरेंस ऑल दैट आई हैव सेड टू यू.
without the help of the Holy Spirit, who is the teacher, the counselor, the guide, the instructor, however many times we may read the word, you will not be able to comprehend it. यीशु ने कहा मैंने सारे बात तुम्हें बताया तो है और पवित्र शास्त्र में ये लिखित रूप में तुम्हें मिलेगा भी, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो अध्यापक है, जो गुरु है, जो अगुआ है, जब तक वो नहीं आता, जब तक उसके ओर से तुम नहीं सीखता, तब तक ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगा. विदाउट द ब्रेथ ऑफ गॉड our understanding will not be opened and we will not be able to comprehend the word of God, the counsel of the Spirit. The pavitra atma ki sahayata ke bina hum ye samajh nahi sakta, pavitra shastri ka bhed hum nahi samjhenge, aur pavitra atma ki sahayata ke bina hum uske agwai ke anusar nahi chal sakte hain. Wo tumhe smaran karayega, मैं तुम्हें शांति दिए जाता, अपनी शांति तुम्हें देता, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो. आई लीव माई पीस विथ यू, यू विल हैव पीस. इट्स नॉट द काइंड ऑफ पीस दैट द वर्ल्ड ऑफर्स. माफ करना, ये संसार जिस तरह की शांति की आई एम सॉरी ये संसार जिस तरह की शांति की बात करते हैं उस तरह की शांति नहीं है. ये स्वर्ग की शांति है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है. दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द इंडवेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड विल कंटिन्यू टू एंजॉय दिस पीस नो मैटर व्हाट, इन स्पाइट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, फ्राइटनिंग थिंग्स, डिस्टर्बिंग थिंग्स, things that trouble the whole world, you will have this peace that surpasses all human understanding. इंसान के समझदारी से बढ़कर यह महान शांति, स्वर्गीय शांति तुम महसूस करोगे. You will enjoy this peace. दुनिया कुछ भी करे, चारों ओर कुछ भी होते रहे तो भी यह स्वर्गीय शांति को तुम अपनाओगे. तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा. यू हर्ड मी से आई एम गोइंग अवे एंड आई विल कम टू यू. इफ यू लव्ड मी यू वुड हैव रिजॉइस्ड बिकॉज आई एम गोइंग टू द फादर फॉर द फादर इज ग्रेटर देन आई. कहते आई एम गोइंग टू द फादर, यू शुड रिजॉइस दैट आई एम गोइंग टू द फादर बिकॉज आई विल आस्क हिम एंड ही विल सेंड यू द होली स्पिरिट. दैट इज व्हाई द चर्च ऑफ गॉड विल रिजॉइस एट हिज गोइंग. इसलिए स्वर्गीय कलीसिया, यीशु की कलीसिया आनंदित है कि यीशु पिता के दाहिने भाग जाकर बैठा. वी आर हैप्पी दैट ही वेंट. हालेलुया. ही कुड नॉट हैव बीन विथ एवरीबॉडी ऑल द टाइम. जब वो जगत में था तब यीशु सबके साथ एक ही टाइम में सदा बने नहीं रह सकता था. ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम मैन टू मैन. But now, since the Holy Spirit would come, He would be with us because He is the Spirit of Christ. जब पवित्र आत्मा आएगा, यीशु हमारे संग सदा बने रहेगा, क्योंकि ये आत्मा यीशु क्रिस्त की आत्मा है. This is the breath of Christ, Amen. He has breathed into me. He has breathed into you. यीशु क्रिस्त की सांस है. इसलिए यीशु ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे भीतर रहूंगा. ही ऑल्सो सेड, आई एम नॉट मेकिंग यू रीड ऑल दोज वर्सेस. सारे वचन में आज पढ़वाता नहीं है, समय बचाने का यत्न में मैं हूं. यीशु ने कहा मैं तुझ में वास करेगा. कैसे? शारीरिक रूप से नहीं है. द ब्रेथ ऑफ क्राइस्ट इज इन मी, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज इन मी. आमेन. इसलिए वो कहता मैं जाता, मैं आऊंगा, मैं तुझ में वास करूंगा. मैं जाता हूं, तुम्हारे पास आऊंगा. वो 28वें वचन में है, मैंने उसे लिखा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं पूरी बात. अब वहां से 16वां अध्याय में जाता. वी लुक इनटू द 16th चैप्टर एंड रीड वर्सेस फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स. 16वां अध्याय का 12 से पढ़ते हैं. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकता है.
I still have many things to say to you, but you cannot hear them now. So Jesus had not completed speaking to them or teaching them. यीशु का और भी बहुत बात कहना था, बहुत चीज सिखाने का था. इसे यीशु ने स्वयं कहा, मैं नहीं कहता. Jesus himself is saying that he had many things to tell them and many things to teach them, but they cannot contain it, they cannot grasp it. वो लोग पूरा समझ नहीं सकता, वो लोग उसको हृदय में समा नहीं सकता. इसलिए परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, when the spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. Hallelujah. वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा. He will guide you into all the truth. Blessed are the children of God who are always led by the spirit of God. पवित्र आत्मा से चलाया जाने वाला परमेश्वर के संतान अति धन्य है, अति धन्य है, क्योंकि वो सारी सच्चाई के मार्ग में चलाया जाएगा. They will walk in all the ways of the Lord, the way of truth. क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. And he will declare to you the things that are to come. Hallelujah. पवित्र आत्मा कुछ भी अपना जेब से लेके तुम्हें सुनाने वाला नहीं है, मुझसे सुनेगा और तुम्हें बताएगा. जैसा पुत्र ने कहा, मैं सुनता पिता से और सुनाता, जैसा त्रय परमेश्वर से जो भी पवित्र आत्मा सुनता वही बात वो हमें सुनाता. If I need the counsel from the heart of God, I need to listen to the voice of the Spirit of God. परमेश्वर के हृदय के बात को मुझे जानना है, परमेश्वर पिता की इच्छा को मुझे जानना है, यीशु क्रिस्त के हृदय का आग्रह मुझे जानना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना अवश्य है. Let this breath of God control my life and guide me and lead me. ये परमेश्वर का सांस मुझे चलाए, मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण रखे और मुझे आगे चलाते रहे. आने वाली बातें भी बताएगा. मोर ऑफ रेवलेशन, हालेलुया, फ्रॉम द वेरी वर्ड ऑफ गॉड. पवित्र शास्त्र से अधिक प्रकाशन हम पाएंगे. द वर्ड विल बी रिव्यूल्ड टू अस मोर एंड मोर एज द स्पिरिट कंटिन्यूज टू टीच अस एंड इंस्ट्रक्ट अस. जब पवित्र आत्मा हमें सिखाता रहता, हमारे समझदारी को खोलते रहता, अधिक और अधिक हम पवित्र शास्त्र से स्वर्गीय वेद को जानेंगे. Heavenly mysteries will get unfolded before our inner eyes, even as the Spirit opens them. जब पवित्र आत्मा हमारी भीतर की नयनों में ज्योति फैलाता है, तब हम अधिक और अधिक परमेश्वर के वचन से अद्भुत बात देखेंगे. इसलिए दाऊद की प्रार्थना है, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए मेरे अंतकरण को, मेरे भीतर की नयनों को तू खोल दे प्रभु. दैट इज व्हाट डेविड वुड प्रे, दैट आई मे सी द वंडर्स ऑफ योर वर्ड. ओपन माय इनर आईज अ गॉड. ये पवित्र आत्मा करेगा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा. ही विल नॉट ग्लोरीफाई हिमसेल्फ, ही विल ग्लोरीफाई मी, क्राइस्ट द लॉर्ड. He is the Lord. And so he will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. वो इधर उधर से कुछ ढूंढ के लेकर आकर हमें बताएगा नहीं. It doesn't take a smart man, a skilled man, to use his imagination to invent some stories to excite us. बड़े एक निपुण व्यक्ति, एक स्मार्ट आदमी अपनी कल्पना के अनुसार सोचकर कुछ ऐसे ऐसे सोच लेकर आकर हमें उत्तेजित करने की कोई जरूरत नहीं है. नो ट्रूथ इज येट टू बी इन्वेंटेड, नो डॉक्ट्रिन इज येट टू बी इन्वेंटेड. कोई भी उपदेश को अभी खोज के निकालने की जरूरत नहीं है. कोई भी उपदेश को हमारी बुद्धि से बनाने की, हमारी युक्ति के अनुसार बनाने की जरूरत नहीं है. जो है वह पवित्र आत्मा हमें सही समय पर प्रकाशित करके देता. द स्पिरिट लीड्स अस टू द राइट वर्ड्स, the spirit expounds it, the spirit reveals the counsel hidden behind that verse. Pavitra atma mein le jata, sahi vachan ki or le jata,
और उसमें हमारे लिए जो अगुवाई है, जो सलाह है, उसको प्रकाशित करके देता। द ब्लेस्ड स्पिरिट ऑफ गॉड, द ब्रेथ ऑफ क्राइस्ट, धन्य पवित्र आत्मा, यीशु ख्रिस्त का सांस। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। ऑल दैट द फादर हैज इज माइंड, देयरफॉर आई सेड ही विल टेक व्हाट इज माइंड एंड डिक्लेयर इट टू यू। सो ही इज मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर। मे वी नॉट थिंक दैट ओनली अ पोर्शन ऑफ द फादर क्राइस्ट हैज डिसाइडेड टू पार्ट विद अस। ऐसा नहीं है कि पिता के पास जो है उसमें से एक अंश लेकर पुत्र ने पवित्र आत्मा को दिया, ऐसा नहीं है। ऑल दैट द फादर हैज इज व्हाट द सन हैज, द सन ऑल्सो हैज। अमेन। जो भी पिता का है वो पूरा पूरा पुत्र का है। ये त्रिपरम परमेश्वर की बात है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिनिटी। एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली गोस्ट, एंड ही विल डिस्पोज इट, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट। पवित्र आत्मा वो हमें प्रदान करता है। ही इज लाइक ए स्टोर कीपर, ए भंडारी की तरह। वो सही समय पर जो हमारी जरूरत की है वो लेकर हमें देता है। ही टेक्स अप, ही टेक्स द राइट थिंग, ही ड्रॉज द राइट थिंग फ्रॉम द ट्रेजरी एंड गिव्स टू अस एट द राइट टाइम इन द राइट मेजर। सही मात्रा में, सही समय पर परमेश्वर के भंडार से लेकर हमें देने वाला भरोसमय भंडारी है। ही इज द मोस्ट फेथफुल ट्रेजर, द मोस्ट फेथफुल ट्रस्टी ऑफ द थिंग्स ऑफ गॉड। वहां से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें 20वां अध्याय में नजर डालना है। वी लुक इन टू चैप्टर 20 एंड रीड 21-22। 21-22 पढ़ता, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूं। Jesus said to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." कई बार हमने ये वचन पढ़ा है, इसलिए हम बहुत ज्यादा भाषण वहां से नहीं सुनेंगे। We know this, sir. Just as the Father has sent Christ Jesus, sir, He is sending us. कैसे पिता परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, वो हमने यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक में से पढ़ा। We read from the book of Isaiah as to how God the Father had sent His Son down to this earth. And now, the Son emphasizes that He has sent us likewise. अभी पुत्र कहते हैं, वैसा ही मैंने भी तुझे जगत में भेजा है। No difference. He does not say that you may also do some of the things which I wanted to do. He doesn't say that. वो नहीं कहता कि तुम भी कुछ कुछ काम जो मैं करना चाहता था तुम भी कर सकोगे, ऐसा नहीं कहा। जैसा पिता परमेश्वर ने मुझको भेजा उतना अधिकार से, वही लक्ष्य से, विद द सेम पर्पस एंड विद द सेम अथॉरिटी, विद द सेम पावर, विद द सेम अनॉइंटिंग, वही अभिषेक से, वही सामर्थ्य से, वही अधिकार से मैंने तुझे भेजा हूं। द सेम ब्रेथ ऑफ गॉड That is on me and in me will be in you and upon you, says Jesus Christ. Yesu Christ कहता है कि पिता परमेश्वर का जो श्वास है, जो मुझ पर और मुझ में था, मुझ में है, वही तुझ में और तुझ पर बने रहेगा। ये कहकर उसने उन पर फूका। If that was not enough, that saying was not enough, he will demonstrate it by blowing. Breathing on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." Hallelujah. Yeshu ne kaha, "Receive it now." Yeshu ne unke upar phook kar kaha, "Breathe on me, O Lord. Breathe into me, O Lord." Yeshu ne phooka aur kaha, "Paavo. Ye pavitra atma ko paavo. Ye varadan prapt karo." अधिकार को प्राप्त करो। रिसीव दिस अथॉरिटी, रिसीव दिस गिफ्ट। माई ब्रेथ बी इन यू, दैट विच द फर्स्ट मैन फॉरफिटेड, आदम ने उसको नष्ट कर दिया।
Receive it back, says the Lord. पूर्णता में पाओ. प्राचीन काल में ये he used to breathe upon people for a while. बीते हुए दिनों में पवित्र आत्मा उतर कर आता लोगों के ऊपर. अब वो कहता है कि आई विल ब्रीथ इट योर नॉस्ट्रिल्स वंस अगेन. ही इज डूइंग इट वंस अगेन. दैट इज व्हाई वी आर न्यू क्रिएशन. और एक बार कर रहा है. आमेन. ही इज ब्रीथिंग इट टू यू एंड मी. आमेन. If he could do it for a second time, he will do it for us. If he could do it repeatedly, he will do it for you and me. वो अगर बारंबार करता तो मेरे लिए और आपके लिए करेगा. Receive the Holy Spirit, said he, and you will breathe it to them. Hallelujah. पवित्र आत्मा सिर्फ हवा नहीं है, वो परमेश्वर का श्वास है. It's not just wind. It is the breath of God. यीशु ने कहा receive the Holy Spirit. अब मैं वहां से पीछे जाकर एक वचन पढ़ना चाहता. छठो अध्याय में जाता. यूहन्ना का ही है. छठो अध्याय में जाकर हम एक वचन पढ़ते हैं. 63rd verse. 63rd वचन पढ़ते हैं. आत्मा जो जीवनदायक है शरीर से कुछ लाभ नहीं. जो बातें मैंने तुझसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है. इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. अब यीशु उसको स्पष्ट करता. We do not have to stand in a queue for Jesus to come and breathe into our nostrils. हमें लाइन लगाकर खड़ा नहीं रहना कि यीशु आए और हर एक नथनों में फूके. यीशु कहता जब तक पवित्र आत्मा तुझ में राज नहीं करता तू मिट्टी है. फ्लैश अमाउंट टू नथिंग. इट्स ऑफ नो प्रॉफिट सेज द लॉर्ड. वेदर आई लिव फॉर 120 years और 140 years इट डजंट मीन एनीथिंग टू गॉड. परमेश्वर के लिए वो कुछ महत्वपूर्ण बात है ही नहीं. दैट इज फ्लैश. इज अ कार्नल इन लाइफ. वो शरीर का जीवन है. वो सिर्फ मांस है. वो मिट्टी है. लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ में जीवित रहता राज करता. जीवित रहने का अर्थ है राज करता. एज लॉन्ग एज द होली स्पिरिट इज नॉट अलाइव एंड रेनिंग विद इन मी आई एम जस्ट फ्लश. मैं सिर्फ मिट्टी है. मैं सिर्फ मांस है. और यीशु कहता मेरे वचन सत्य है और आत्मा है. टू रिसीव दिस ब्रेथ You need to receive my word. To receive Christ, who is the truth. Who is the truth. Yesu Christ ko swikarne ke liye, jo satya hai. Aur uski pavitra atma ko swikarne ke liye, main uske vachan ko purnata mein swikarna avashya hai. I need to receive the word. In all its fullness, in order to receive the truth and the spirit. तो जितने बात हमने यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ा, this was not a study on the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के विषय में एक शिक्षा नहीं है आज. वो हमारा विषय नहीं है. पवित्र आत्मा के विषय में हमने कई बार सीखा है. लेकिन आज प्रभु हमें कहता है पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण के अधीन हो जाओ. द स्पिरिट इज काउंसलिंग अस टुडे दैट वी ब्रिंग आवरसेल्व्स टू बी टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली गोस्ट दैट ही टेक्स ओवर टोटली. वो पूरा पूरा हमारे जीवन को अपने वश में ले ले और पूर्णता में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और फल मुझ में और आप में प्रकट हो जाए. दैट इन फुलनेस द माइट एंड पावर ऑफ द होली गोस्ट And the fruit of the Spirit will be displayed in my life and your life will be demonstrated as we walk along. ये परमेश्वर के हृदय का आग्रह है. वो वचन के द्वारा हमारे सामने रखा गया है. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. हम प्रेरितों की पुस्तक में चले जाता.
we look into the second chapter of the Acts of the Apostle, the least understood portion. वहां हम बहुत शीघ्र गति से पढ़ेंगे कि जब पंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. I won't spend time on that. एकता की आत्मा में वो लोग बने रहे. They were all together with oneness of mind in unity, perfect unity at one place. They were not scattered. They didn't have different agendas. They did not have different motivations. उनके जीवन में ऐसा कोई भी दूसरा इरादा नहीं था. जैसे यीशु ने कहा था वैसे वो लोग इंतजार कर रहा है सामर्थ पाने के लिए. They were waiting, they were tarrying to receive power from on high as Jesus had instructed them. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ. Suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. यीशु ने चेले लोगों को पहले से बताया था हवा कहां से आती है कहां जाती है तुम नहीं जानोगे. But you will indeed hear the sound of the rushing wind. यीशु ने उनको बताया था लेकिन तुम उसकी वाणी सुनेंगे शब्द सुनेंगे. वही हुआ. It is not mentioned that there was a big blast of air or a great storm or hurricane or tempest. वो ऐसा कभी नहीं लिखा नहीं है कि बहुत बड़ा आंधी चला तूफान चला ऐसा नहीं लिखा है. तूफान का सा आवाज. The sound as that of a rushing mighty wind. They heard the voice of this wind. There was necessarily no storm, no tempest that will blow them off. उन्हें हवा में उड़ाने के लिए कोई तूफान नहीं आया वहां आंधी नहीं आया. They were given a sign, a signal, the herald of his coming. पवित्र आत्मा पूरे सामर्थ्य लेकर आ रहा है उसका चिन्ह था. This sound will herald the coming of the Holy Spirit to dwell in them, to inhabit them. उनमें वास करने के लिए पवित्र आत्मा उत्तर कराता उसका वो महान शब्द है वो घोष है वो ध्वनि है वो. That was the sound. Sound like a mighty rushing wind. Hallelujah. When the Son of God will come again, such a sound will be heard again. ऐसी एक ध्वनि दोबारा सुनाया जाएगा जब पवित्र जब परमेश्वर का पुत्र हमारा दुल्हा आसमान में आएगा. Amen. He is entering into our lives. And for the second time, he will come to gather us unto himself. Amen. वो शब्द था वो आंधी किसी सनघनाहट का शब्द है. Amen. परमेश्वर के सांस का शब्द है वो. That is the sound of the breath of God that will blow on them. Amen. और उसमें उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया. It will reverberate. It will re-echo from the walls of that room. Amen. This was no ordinary sound. Amen. ये स्वर्गीय शब्द है. ये परमेश्वर के सांस का शब्द है. This is the sound of his breath. Hallelujah. This is no ordinary sound. It'll fill the whole room. Hallelujah. It's not the storm. It's not the tempest. It's not the hurricane. वो ऐसा कोई आंधी नहीं है कोई तूफान नहीं है तेज हवा नहीं है वो परमेश्वर की आवाज है. Let his sound fall into my ears and keep echoing and re-echoing. उसकी वाणी मेरे हृदय के कानों में आ पड़े और वहां से प्रदीप करण प्रतिबिंबित होते रहे. प्रतिध्वनि होते रहे उसका. Let it resound. Let it keep on echoing from my inner ears of my heart. Hallelujah. गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी. Divided tongues as of fire. As of fire. अग्नि नहीं आया उन्हें जलाने के लिए. अग्नि का जो जो शिखा है वैसे स्प्लिट जीभ जैसा. The tongues of fire
कैसे स्प्लिट होती है, वो है उसका अर्थ कि आग की जो जीभ है, जीभ जैसा आप देखे होंगे जब आग का तस्वीर हम बनाते हैं, व्हेन यू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फ्लेमिंग फायर वी शो दीज टंग्स ऑफ फायर स्प्लिट एंड स्प्रेडिंग, यही वो दिखाता है. इट्स नॉट फॉर वन मैन, दीज टंग्स विल बी स्प्लिट अमैन, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट ऑफ द टंग्स ऑफ फायर. तब अग्नि के इंतजार नहीं करता, हम तूफान के इंतजार नहीं करता, हम गीत ऐसे गाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, गीत हम गाते हैं ऐसा, वी सिंग लॉट ऑफ सॉन्ग्स इनवोकिंग द फायर टू फॉल एंड द टेम्पेस्ट टू ब्लो एंड ऑल दैट स्टफ, दैट्स ऑल फाइन, दैट्स अ वे ऑफ फिजिकली एक्सप्लेनिंग इट, वो एक बहुत ही रीति से लोगों को समझाने वाली बात है. बट वी आर नॉट आफ्टर दिस फायर, विजिबल फायर, हम ये दिखाई देने वाली अग्नि के पीछे नहीं है. अनेक लोग वो दिखाते हैं ऐसा, अग्नि उतरा, अग्नि गिरा और अग्नि जलता है, मच मोर देन दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द होली गोस्ट. पवित्र आत्मा से हम इतने ही नहीं उम्मीद रखता, अगर कोई आग जलता है वो नहीं है वो, अमैन, ये मेरी आत्मा में जलने वाली अग्नि है, ये मेरे दीपक को प्रज्वलित करने वाली अग्नि है. दिस इज इन डीड द फायर ऑफ गॉड दैट कीप्स माय स्पिरिट बर्निंग विद इन, दैट कीप्स माय लैम ए ब्लेज. टच द फायर, इट्स नॉट फॉर वन मैन, इट इज लाइक स्प्लिट टंग्स. आमेन. वो ऐसा है, फटती हुई जीवे है वो, एक के लिए नहीं है, जितने भी एक चित्त से वहां परमेश्वर के चरणों में अपने आप को बिठाए थे उन सबों के लिए है. दिस वॉज फॉर एवरीबॉडी हु वुड सी देमसेल्व्स वन अकॉर्ड एंड वन माइंड एट द फीट ऑफ जीसस एज ही हैड कमांडेड देम. और उनमें से एक पर अटल, हर एक पर, ऑन ईच वन, हालेलुया, इट केम एंड ड्वेल्ट. This is not a spirit that would come and go. It will dwell there forever. He will dwell there forever. ये आत्मा आकर जाने वाली आत्मा नहीं है, वो वास करेगा. वो टहरी, ऐसा लिखा है, टहरने के लिए आया है. Amen. Rested on each of them. Amen. The spirit felt at home. Amen. वो उधर आराम से बैठता, क्योंकि हाई प्रेशर नहीं है वहां, उच्च दाब नहीं है, लो प्रेशर है, आराम से रह सकता है. एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली गोस्ट, बिगन टू स्पीक इन अदर टंग्स एज द स्पिरिट गिव देम यूटरेंस. पवित्र आत्मा पे भर गए वो लोग, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. आमेन. जब आत्मा ने सामर्थ्य दिया वैसे वो लोग बोलने लगे. मे आई स्पीक एट द अंक्शन ऑफ द होली गोस्ट एज प्रॉम्प्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड एज डिक्टेटेड बाय द होली स्पिरिट. मैं ऐसा बात करना चाहूंगा जो मैं प्रभु से सुनता, जैसे मुझे अगुवाई मिलता, जो बात पवित्र आत्मा मेरे मुंह से बोलना चाहता वही मैं बोलना चाहूंगा. मेरे लिए प्रार्थना करना, हम ऐसे बोलते रहे, हमारे मुंह से ऐसे शब्द आए जो पवित्र आत्मा चाहते हैं. ए स्पिरिट गेव देम अटरेंस, दे वुड स्पीक, दे वुड नॉट स्पीक ऑफ देयर माइंड नाउ, दे वुड नॉट गिव देयर आइडियाज नाउ. वो लोग अपने आशय लेकर आएगा नहीं, अपने युक्ति के अनुसार नहीं बात करेगा, अपने मन की बात नहीं करेगा वो लोग. हालेलुया. वो पवित्र आत्मा के मुंह बन चुके हैं. दे हैव बिकम द माउथ ऑफ गॉड, द ऑरेकल्स ऑफ गॉड. ये परमेश्वर के मुंह बन गया है, परमेश्वर के वक्ता बन गया है, स्पोक्स पर्सन, ईच वन ए स्पोक्स पर्सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का वक्ता बन गया है. अब वहां से 17 अध्याय में चले जाता, एक्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरितों के पुस्तक के 17 अध्याय में चला जाता और उसमें से 25वां वचन पढ़ता. ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है. नॉर इज ही सर्व्ड बाय ह्यूमन हैंड्स एज दो ही नीडेड एनीथिंग सिंस ही हिमसेल्फ गिव्स टू ऑल मैनकाइंड लाइफ एंड ब्रेथ एंड एवरीथिंग. परमेश्वर को हमारी छोटा मोटा दान की कोई जरूरत नहीं है. अ गॉड इज नो बेगर, ही डजंट नीड आवर कॉइन्स दैट वी हर्ल एट हिम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट रिवॉर्ड. बहुत ज्यादा पाने के लिए
हम जो सिक्का देते हैं उसको, जो पैसा देते हैं उसकी परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा है। वो सेंटमेंट जीवन देता, बहुत तायत का जीवन देता है वो हमें। ही गिव्स लाइफ, ही गिव्स ब्रेथ, वही श्वास देता है, सबको देता है, हर एक को ऊपर आकर बसा। वेन ही गिव्स फिजिकल लाइफ एंड लाइफ दैट विल सस्टेन देयर फिजिकल एक्सिस्टेंस, हाउ मच मोर विल ही गिव द स्पिरिट ऑफ गॉड, द रियल ब्रेथ ऑफ गॉड। एक सृष्टि को जिंदा रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए जो श्वास देता है प्रभु, तो वही परमेश्वर हमें कितना ज्यादा पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हाउ मच मोर, यीशु ने कहा ही विल गिव मच 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 मोर टू हिम हु आस्केथ फॉर द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के लिए जो भी मांगत रखता उसको वो सेंध में कितना क्यों नहीं देगा। ही इज अ गॉड, इज विलिंग टू पोर आउट, इज विलिंग टू शावर, इज विलिंग टू रेन अपॉन अस। अमेन अमेन। इज विलिंग टू ब्लो इनटू अस एंड अपॉन अस। वो तैयार है, सदा सर्वदा तत्पर रहता है मुझ में फूकने के लिए और मेरे ऊपर फूकने के लिए। हमें आगे बढ़ना है और उसी में भी हम दसवें अध्याय में आता, तो हमें कोई संदेह आने की एक संभावना है। Now we may have some doubts arising in our hearts. Did we not receive the Holy Spirit when we were born again? Yes, we did. जब हमारा उद्धार हुआ तब हमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया, जरूर पाया था। जब यीशु ने उनके ऊपर फूंका, उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, चले लोगों ने पाया था। When Jesus blew on them, did the disciples not receive the Holy Spirit? They did. Because Jesus said, receive, they did. But it's one thing to receive the Holy Ghost. It is quite another thing to demonstrate and to walk in the power and might and the glory, the full glory, the fullness of His glory. Hallelujah. Lekin, uska samartha aur uska adhikar ke saath, pavitra atma ki puri mahima ko pradarshit karte hue chalna, ek alag baat hai. Ab Yeshu ke jeevan se हम ये बात को देखते हैं। हम प्रेरितों का पुस्तक में आकर उसका दसवां अध्याय से 68 पढ़ता, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ तो गलती से लिखा है, वो तो वो 68 नहीं है। दसवां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु को कैसे आप करना, मैंने गलत लिखा है, किधर तो स्क्रिबल किया है, कॉपी करने में गलती किया। आप ढूंढेगा तो फटाफट मिलेगा आपको वो वचन, आपको मिलेगा उसका 38 है, दसवां अध्याय का 38। आई एम वेरी सॉरी, चैप्टर 10 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। नाउ वी विल रीड दिस वेरी केयरफुली एंड स्लोली, धीरे धीरे पढ़ते। हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नैसरेथ विद द होली स्पिरिट एंड विद पावर, ही वेंट अबाउट डूइंग गुड and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. अब यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ हम जानते हैं। Jesus was born of the Holy Spirit. He was full of the Holy Spirit. When Mother Mary was carrying him, she would go to meet Elizabeth. जब मरियम यीशु को गोद में लेकर घूमता, उसका खोद में था यीशु, तब वो एलिसबेथ से मिलने को जाता। एंड दिस बॉय चाइल्ड, दिस फीटस इन हर वूम, मरियम के खोद में जो शिशु था उसने
एलिशेबा का कोख में जो शिशु था उसका अभिषेक किया. दिस इन्फेंट, दिस फीटस इन द womb ऑफ मैरी would impart such a mighty anointing to the fetus in the womb of Elizabeth. So was the fullness of the Holy Ghost in Jesus Christ, in infant Jesus. लेकिन यहां लिखता है पिता परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक कर भेजा. But here we read that God the Father would anoint him with the Holy Ghost and with its power. The demonstrating power, the exhibiting power and might of the Holy Ghost. Hallelujah. Prakat karne wala, pradarshan karne wala, samarth aur vaibhav, pavitra atma ke dwara jo kiya jayega, jo pradarshit kiya jayega, wo samarth ke saath Yeshu ko bheja. Kitne jagah pe hum ye baat padhte hain. We have no time to go through all those passages. We read, after the baptism, he was full of the Holy Spirit. Hum padhte hain Yeshu, बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आया, ऐसे कहता है. उसके बाद 40 दिन उसका परीक्षा होता, 40 days he would be tempted, and then he will emerge much stronger. वहां से हम पढ़ते अति सामर्थी होकर, full of the power and might of the Holy Ghost, he will start his public ministry. वो सेवकाई शुरू करेगा अधिक आत्मिक पूर्णता में और सामर्थ्य से. दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस डियरली बिलोवेड. वी आर बॉर्न अगेन, आमेन. वी हैव बीन क्रिएटेड इन यू बाय द स्पिरिट, बाय दिस विंड. लेट द होली स्पिरिट डेमोन्स्ट्रेट, हालेलुया, हिज पावर एंड हिज माइट एंड हिज ग्लोरी थ्रू अस, इन मी एंड इन थ्रू मी. हालेलुया, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसका पूरा सामर्थ्य और वैभव प्रकट करने के लिए मैं अपने आप को उसका वश में पूरा कर देता. द मोर आई सबमिट माई सेल्फ टू द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, द मोर ऑफ हिज पावर एंड हिज ग्लोरी विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड एंड एक्सिबिटेड थ्रू माई लाइफ. हालेलुया, जितना ज्यादा मैं अपने आप को अर्पण करूंगा, पवित्र आत्मा का नियंत्रण के अधीन कर दूंगा, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कार्य करेगा, उसका सामर्थ्य और वैभव का प्रकटन होगी. यीशु के नाम में, आमीन, आमीन. अभी हमें थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में से कुछ पढ़ना. वी मूव ऑन टू 1 थिस्सलुनीकियंस एंड रीड द फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स. 1 थिस्सलुनीकियंस पहला अध्याय 14 वचन से 7 तक पढ़ता है. क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों में तुम प्रेम रखते हो, लोगों से उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम इस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है. उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य. सॉरी, मैं गलत पढ़ता, मैं हमेशा ये करता, मैं कोलोसियों से पढ़ा, माफ करना. पहली तिसलोनी पहला अध्याय 4 से पढ़ता, आई एम वेरी सॉरी. भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में नहीं, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है. जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे. Paul is saying, we did not come and tell you some stories, or we were like great orators. Presented a great sermon to you, but we came full of the Holy Ghost and with the might and power of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की पूर्णता में आया और उसका सामर्थ्य और उसका शक्ति को प्रकट करते हुए आया. How do you know they? You know what kind of man we approved to be among you for your sake. तुम्हारे भीतर हम कैसे जीवन बिताए तुम जानते हो. From our lifestyle, you know which spirit was operating in us and through us. मुझ में और मेरे द्वारा क्या आत्मा कार्य कर रहा था, हम में और हमारे द्वारा कौन सी आत्मा कार्य कर रहा था, वो हमारे जीवन की शैली से तुम्हें पता चला, हमारे चाल चलन से तुम्हें पता चला. पता चलना चाहिए, आमेन. बाय माय वॉक, बाय व्हाट आई डेमोन्स्ट्रेट, बाय द फ्रूट इन मी, लेट द वर्ल्ड नो व्हिच स्पिरिट इज कंट्रोलिंग मी.
यहां तक कि मकदूनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने. You became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. This is what is expected of a man driven by the breath of God. जिसको पवित्र आत्मा चलाता है वो आदर्श बनेंगे. सिर्फ उसके लिए नहीं, अनेकों के लिए. May we inspire others to walk in his ways. May we draw people to the feet of Jesus. यीशु के चरणों में अनेकों को लेकर आने के लिए ये हवा के द्वारा चलाया जाना अवश्य है. Breathe upon me, O Lord. Breathe into us, O Lord, that we may bring bear much fruit. Hallelujah of the Spirit. That the world may be drawn to you, O Master. हालेलुया. हम दूसरी तस्लोनी में आता दूसरे अध्याय के साथ से पढ़ता. आई विश आई वर इन द राइट चैप्टर. आई होप आई एम. दूसरे अध्याय का साथ से पढ़ता दूसरी तस्लोनी दूसरे अध्याय साथ से. क्योंकि अधर्म का भेद अब की कार्य कर रहा है पर अभी एक रुकने वाला है. एंड द लॉलेस वन विल बी रिवील्ड हुम द लॉर्ड जीसस सॉरी For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so till he is out of the way. Until he is out of the way. अभी क्रिस्त विरोधी की आत्मा कार्य कर रहा है. आदि से कार्य कर रहा है. अभी भी वो कार्य कर रहा है लेकिन पूर्णता में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता. The Antichrist is not able to exhibit himself fully because someone is restricting, someone is hindering. Someone is posing a huddle. उसको रुखाने वाला कोई है. Amen. उसको मार्ग में रुखाने वाला परमेश्वर का श्वास है. Amen. Amen. It is the breath of God that is reigning through you and me. मुझ में और आप में राज करने वाला और आपके द्वारा और मेरे द्वारा राज करने वाला पवित्र आत्मा ये दुष्ट शक्ति को रुखा कर रखा है. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth. तब अधर्म प्रकट होगा. Amen. जब कलीसिया उठाया जाएगा, जब पवित्र आत्मा उसको रुखाने से पीछे हट जाएगा. When the Holy Spirit will be taken away, then he will have his time. उसको समय दिया जाएगा और वो अपने आप को प्रकट करेगा. But not for long. ज्यादा समय के लिए नहीं है. यहां लिखा है the Spirit of the Lord will once again come and consume him. Hallelujah. The breath of God will consume him. यहां लिखा है. यहां लिखा है Jesus will kill him with the breath of his mouth. Amen. And bring to nothing by the appearance of his coming. वो प्रकट होगा. Hallelujah. यीशु क्रिस्त आएगा उसकी आत्मा के श्वास से. By the breath of his spirit, breath of his mouth. He will destroy this one. This Antichrist, the spirit of Antichrist as well. हम आगे बढ़ता हम दूसरी तिमोथी में आता दूसरी तिमोथी तीसरे अध्याय में आता. Now we know why I should allow the Holy Ghost to have full control. Why should I allow him to reign in me and through me? Hallelujah. I am the greatest threat to the Antichrist. क्रिस्त विरोधी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द मैं और आप बने रहना चाहिए. यीशु के नाम में आमेन आमेन. दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 14 पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है. As for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. पौलुस कहते किससे तूने सीखा है याद करो. नानी से सीखा है, मां से सीखा है, मुझसे सीखा है. पौलुस कहता you have learned it from your grandmother, your mother. And from me, says Paul, and also from other elders, because elders had laid their hands on him. कहते तू ऐसे लोगों से सीखा है याद करना. Amen. From childhood you have been acquainted with the sacred writings. ऐसा लिखता है बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है. You have been exposed. The scripture has been exposed to you. You have been introduced to the scripture. पवित्र शास्त्र का परिचय तूने पाया है. Even we have been given the word of God. And we have been taught the word of God. Pavitra Shastra ne apni shiksha paya hai. Murakh dar se nahi jite. We will not live like foolish people of the world. We know the word of God. And the counsel of God.
परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में जो सिखाता है उसको हमें बचपन से जाना है. एवर सिंस वी आर बोर्न अगेन द लॉर्ड हैज बीन स्पीकिंग टू अस थ्रू हिज इटर्नल वर्ड. परमेश्वर अपने वचन से, सनातन वचन से हमसे बात करते आए, हम जानते हैं. आमेन. जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है. इट इज दिस वर्ड दैट विल मेक अस वाइज, दैट विल गिव अस द राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर रिसीविंग फुल सल्वेशन. Saved to that most we shall be through faith in Christ Jesus. Yeshu Christ mein vishwas karkar ye uddhar ki purnata paane ke liye, the fullness, full of glory, hallelujah, full of power, mahima ki purnata ke saath, shakti ki purnata ke saath, pura pura uddhar paane ke liye yahi vachan hame siddh kar deta. This word will perfect us, hallelujah. This word will save us to the utmost. Amen. With the glory, the fullness of God's glory, we shall be. Titus se padta, Titus ka tisra adhyay hai. Titus chapter 3, tisra adhyay. I wish there is a third chapter, 4 to 7. Par jab hamare uddhar karta parameshwar ki krupa aur manushyon par uska prem prakat hua, to usne hamara uddhar kiya aur ye dharm ke kamon ke karan nahi. जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार. सॉरी, आई एम अगेन रीडिंग समथिंग रॉन्ग. फोर से ही पढ़ता मैं आके. तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है. वी हैव बीन सेव्ड नॉट बिकॉज ऑफ आवर वर्क्स बट बाय the renewal by the breath of God. Am bhajan mein padha, he renews the face of the earth by sending his breath. We read in the Psalms, he sends his breath and they are rekindled and he renews the face of the earth. Humne bhajan mein padha, wo uska shwas bhejta hai aur wo naye riti se srijaya jata hai aur prithvi ka muh ko wo naya banata hai. Aur hum ye padhta hai, usse wo hame ye sikhana chaha. He was trying to teach us this, that we are being refreshed and renewed by the indwelling Holy Spirit because of faith in Christ Jesus. Yeshu Christ mein vishwas karne se, we are being renewed, we are being refreshed, amen, by the Holy Ghost, by the breath of God. Jisse hum uske anugrah mein dharmi dharkar anand jeevan ki aasha ke anusar waris bane. So that being justified by his grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Amen. Anand jeevan ki aasha dharkar pura pura miras paane ke liye. Hallelujah. That we may inherit all that has been promised to Abraham and much more. Abraham pita ke saath usne jo vaada kiya, wo pura pura anugrah prapt karne ke liye aur usse adhik prapt karne ke liye pavitra atma ke dwara chalaya jata hai. Amen aur amen. हम समाप्त करने से पहले पत्रस की दूसरी पत्रिका में जो डालता पहले अध्याय का 19 से पढ़ता, बहुत परिचित भाग है. हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है और इस घटना में से दृढ़ चेहरा है. एंड वी हैव समथिंग मोर श्योर द प्रोफेटिक वर्ड. कहते हैं कि भविष्यद्वक्ता का वचन है अर्थात पवित्र शास्त्र है. वो घटना ये घटना से ठहरा हुआ है. कहते जो रूपांतर का पर्वत पर उसने देखा उसे हमें पता चलता है कि यह भविष्यद्वक्ता के वचन जो है वो स्थिर रहेगा. हैविंग सीन मोसेस एंड एलाइजा ऑन द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, पीटर इज सेइंग दैट ब्रिंग्स हिम क्लोजर टू द होली स्क्रिप्चर्स. आमेन. वो उसको खींचकर पवित्र शास्त्र के नजदीक लेकर आता है और कहता है पवित्र शास्त्र क्या है. तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है. यू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, यू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड बिलीविंग दैट इट इज अ लैम्प शाइनिंग इन अ डार्क प्लेस. अंधकार में चमकने वाले दिया है वो. अंधियारे स्थान में उस समय तक वो प्रकाश देता रहा
रहेगा जब तक पौ नहीं फटे. इट विल कीप शाइनिंग, दिस विल कीप इल्यूमिनेटिंग आवर पाथवेज, इट विल कीप रिवीलिंग गॉड्स थिंग्स टू अस, आई मीन गॉड्स हार्ट टू अस, टिल ही हिमसेल्फ अपीयर्स, द ब्राइट मॉर्निंग स्टार अपीयर्स. हालेलुया, अंटिल द डे डॉन्स एंड द मॉर्निंग स्टार राइजेस इन योर हार्ट. हालेलुया, जब तक हम पूर्णता नहीं पाते, यीशु क्रिस्त के समान नहीं बनता है. हमने पहले पढ़ा, उसने हमारे नथनों में श्वास डाला, किसके लिए? हम परमेश्वर के रूप सादृश्य में बन जाए. हालेलुया, हालेलुया, दैट वी मे बी इन द ट्रू इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड. ही हैज ब्रीथ्ड इनटू आवर नॉस्ट्रल्स एंड नाउ वी रीड बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. हालेलुया, अबाइडिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, वॉकिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बीइंग लेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, लिविंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, वी विल बी लाइकेंड टू द इमेज ऑफ द सन. हालेलुया, द ब्राइट मॉर्निंग स्टार विल शाइन इन आवर hearts, that we will be likened to him with the full glory of Jesus Christ. Hallelujah. Hamare hriday mein ye tara chamkega, hum bhi hamara virupandar pura pura ho jayega, yesu ke saman ban jayenge, full of glory, full of likeness. Hallelujah. Uska roop sadrishy mein ban jayenge. Hallelujah. Iske liye yesu ne phuka hai. Jesus has breathed into us. Come, breath of God, breathe into us, breathe upon us, breathe upon your church. Hallelujah. Let the breath of God breathe upon us. Hallelujah. We shall be with the fullness of God's glory. We shall be found with the fullness of God's glory. Hallelujah. Parmeshwar ki mahima se purn kiye hue log, siddh kiye hue log hum ban jayenge. Yeshu ke naam mein amen. आइए हम प्रार्थना करें. प्यारे पिताजी, हम आते हैं, हम ये चाहत से आते, तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा में वास करता, लेकिन हम उससे तृप्त नहीं है. तो उस उम्मीद रखता प्रभु, ये पवित्र आत्मा हमें पूरा पूरा फलवंत बनाए, उसका पूरा सामर्थ्य और वैभव और महिमा प्रकट किए जाए, ताकि दुश्मन को हम रुखा कर रखे है. That you will block the enemy from advancing. That the Spirit of the Lord may reign in us and through us, in our families, in our lives, in our congregations, in our land. That the Pavitra Atma manmani se raj kare hamare jeevan mein, kalisiyon mein, parivaron mein, desh mein, Prabhu. Lele, have full control over me. Blow into me and over me. पूरा नियंत्रण ले ले. I come with myself, surrender my life, my families and my congregations. That your wind may blow, the breath of God may continue to blow. Hallelujah. And that the Spirit of the Lord may demonstrate his might and his power and his glory. उसकी महिमा और सामर्थ्य हमें और हमारे द्वारा प्रकट किए जाए, यीशु के नाम में आमेन, आमेन. पिता परमेश्वर का सी प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार, हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे थी, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ, जो कोविड 19 महामारी के कारण और अनेक तरह के समस्याओं के कारण दुख संघर्ष से गुजर रहे हैं, और उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, यीशु के सच्चे संतों के साथ, और पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इसराइल और इसराइल के साथ भी सदा सर्वदा, यीशु के मेरे आगमन तक निरंतर बने रहे, आमीन और आमीन. करुणामय और प्रेमी परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमेन. May the most compassionate Lord be with you all, give you peace, keep you in perfect health and with sound mind, provide you with all that you need. In Jesus' name, amen.
मैं आप सबों को एक अति सुंदर धन्य और पवित्र प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी ब्लेस्ड ग्लोरियस लॉर्ड्स डे. आमेन. गॉड ब्लेस.